और चलिए बढ़ता है कि राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री साय का आग्रह है और छत्तीसगढ़ के मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों से मेरा विनम्र आग्रह है, 22 जनवरी को अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुसार अपने आसपास के मंदिर एवं तीर्थ स्थानों में स्वच्छता का संकल्प लें। इस मौके पर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलन कर दिवाली का उत्सव मनाएं। ये अपील की है, आग्रह किया है प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। दरअसल 22 जनवरी को लेकर हर कोई उत्साहित है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, और इसी को लेकर देश भर में बेहद खुशी का माहौल जरूर नजर आ रहा है। राम को छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको जोहार नमस्कार। आप सबको पता है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस दिव्य और ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। संपूर्ण देश में उत्साह है, उमंग है। प्रभु श्री राम जन जन के हृदय में बसते हैं। छत्तीसगढ़ वही कौशल है जिसकी बेटी माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। श्री राम ने दंडकारण्य को अपनी चरण रथ से पवित्र किया। माँ सबरी के बेरों की मिठास अभी तक छत्तीसगढ़ में घुली हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में राम राज्य की संकल्पना साकार होते जा रही है। प्रभु राम के आदर्शों पर चलकर सेवा और सुशासन के माध्यम से हम भी छत्तीसगढ़ को एक आदर्श और सुशासित राज्य के रूप स्थापित करने हेतु संकल्पित हैं। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद श्री रामलला अयोध्या धाम में विराजमान होने जा रहे हैं, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपील की है कि हम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर अपने घर, गांव, नगर को ही अयोध्या स्वरूप बना लें, अपने आसपास आस्था स्थलों, मंदिरों की साफ सफाई कर लें और दीप प्रज्वलित कर प्रभु राम के आगमन का उत्सव मनाएं, प्रभु राम का पावन स्मरण करें। श्री राम का पावन स्मरण करते हुए आप सभी को पुनः इस बहुप्रतीक्षित अवसर का साक्षी बनने के लिए बधाई।